पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संबल जनपद के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के प्रेमनगर निवासी दिवाकर का 11 महीने का बच्चा अब से करीब 13 दिन पूर्व घर से गायब हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने तलाश करने के बाद भी नहीं मिलने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन कई दिनों बीतने के बाद भी पुलिस बच्चे को तलाश कर पाने में नाकाम रही। उधर लगातार परिजन बच्चा नहीं मिलने पर पुलिस के पास चक्कर काट रही है। 13 दिन से अधिक का समय बीतने के बाद भी जब बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला तो आज मुरादाबाद से डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया, जहां डॉग स्क्वाड टीम ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, लेकिन उन्हें भी इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। पुलिस पड़ताल में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। 13 दिन का समय गुजर जाने के बाद भी बच्चे का पता नहीं लगा पाना कहीं ना कहीं पुलिस की घोर लापरवाही सामने आ रही है। आखिर इतने दिन बीतने के बाद भी बच्चे को खोज पाने में पुलिस क्यों नाकाम साबित हो रही है? पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ पाने में असफल साबित हुई है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर अब सवालों के निशान उठने लगे हैं। अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? आप ही जान सकते हो, आप तो संग हो, आप ही जान सकते हो। कार्रवाई करते तो अब तक मिल ना जाए तो हमें कब तो कर रहे हैं ना कर रहे हैं, हम तो घर में बैठे हैं। बच्चे का ये यानी जो अपर करता थे उस पीएनए उस या उसका कोई स्पोर्ट नहीं मिला और बच्चे के कपड़ों से मतलब गंद दी गई तो कोई सही गंद नहीं मिल पाई मान लो। और घटना घटित हुए काफ़ी समय हो चुका। उसमें डॉग स्क्वाड मुरादाबाद से बुला करके बच्चे के स्मेल को लेके उसके कपड़ों से उसे स्मेल लेके आसपास के घरों में जहाँ जहाँ पे कोशिश की गई किसी पहचान हो सके कि बच्चा वहाँ से कहाँ गया, उसको ट्रैक करने की कोशिश की गई। कुछ जानकारी मिली आस पड़ोस में कुछ डॉग स्क्वाड से? अभी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी।